हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओम एजुकेशन पॉइंट। तो आइए हम आर एस अग्रवाल का जो मैथ है उसका मैथ एल एस ए का 19वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर व 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। तो फ्रेंड्स, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चार ए है 7500 घन सेंटीमीटर, बी है 7850 घन सेंटीमीटर, और ए 8000 घन सेंटीमीटर, और डी आपका 9500 घन सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहिएगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि हम ऐसी अनेक वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमारी वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, जल्दी करें, देर ना करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। उसका कोई चार्ज नहीं होता है, वो आपको फ्री है। तो आप हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, 120 जो आपको दिया हुआ है क्रम से, जो मतलब टंकी की धारिता दी हुई है, और दूसरी दी गई 56। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 120 को जो है 56 से भाग देंगे। कहने का मतलब इन दोनों का मैथ निकाल देंगे, 56 का और 120 का मैथ आप निकाल लेंगे। तो 120 बड़ा है तो 120 को आप लिखेंगे यहाँ पर, 56 लिखेंगे आप यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप चलाएंगे 56 दूनी 112, आपके 8 बचेंगे। अब आपके 8 बचे, 8 अब क्या चलाएंगे आप, ये 56 मैं से निकालने हैं ना हम, तो भाग थोड़े कर रहे हैं, मैं से निकाल लेते, इस तरीके से निकलता है। 56 को इससे भाग देंगे हम, 8 7 56, तो आपका 8 आ गया। 8 से जो अगर दूसरे को 56 को भी 120 तो कट गया है, 56 भी कट गया है, इसी के अंदर दोनों चीज कट चुकी हैं, 120 यहाँ और 56 यहाँ, पूरा पूरा कट चुका है। तो इसका जो मैसा हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है 56 56 8 8 हो जाता है इसका मैसा। तो आपकी टंकी दी गई है लीटर में, तो ये भी लीटर में हो जाता है। आप इसको क्या बनाएंगे, इसे हम बना लेंगे घन सेंटीमीटर में। हमारे तीनों जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं घन सेंटीमीटर में, तो 8 × 1000 घन, अब ये हो गए सेंटीमीटर। तो आप घन सेंटीमीटर बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, 8000 घन सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये आपका उत्तर आ गया 8000 घन सेंटीमीटर। दोस्तों, इसी तरीके से आप हर एक सवाल कर लेंगे, सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, बस कि जो आपको बोलता है यहाँ पर, ये चीज़ बोली जैसे, वह बड़े से बड़े किस माप का, अगर ऐसे बोलता है बड़े से बड़ा, ठीक है, तो मैं ऐसे निकाल लेंगे। और यदि वो अलग टाइप से बोलता है तो फिर लैसे कंडीशन बन जाती है। फिलहाल बड़े से बड़ा जो ऐसे बोलेगा तो वो सब कंडीशन यही रहती है कि आप वो किस बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मैसे की। तो फ्रेंड्स, आप मैसे निकाल देंगे, जैसे ही आपको इस तरीके से बोलेगा तो आप मैसे निकाल देंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।